आशीर्वाद देने पूरे इंडस्ट्री के लोग आए हैं, माशाल्लाह उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत सोशल, बहुत नेक इंसान है। और हम लोग वैसे भी शादी हमारे इंडस्ट्री की हो या इंडस्ट्री के बाहर के लोगों की हो, हम जब मुंबई में हैं तो कोशिश करते हैं कि अटेंड करें। अभी मैं गोविंदा जी को बर्थडे विश करके और सीधे यहाँ आया हूँ, इनको विश करके औरंगाबाद से आ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत कितनी दूर से आ रहा हूँ, क्या बात। ये दो लोगों को अटेंड करने के लिए, गोविंदा जी का बर्थडे और शबीर भाई के बच्चे की शादी, क्योंकि बेटी बेटी होती है, सबके पास बेटियाँ, तो बस दुआ करने आए कि मालिक इसको जो शौहर इनका मिला, इनकी ज़िंदगी खुशहाल हो और आमीन से ये जोड़ी सलामत रहे, ये दुआएं दे रहा है। सुफियान अब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद हमारे इंडस्ट्री के तोप हैं। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा ये कपल को कि शादी एक नई ज़िंदगी की शुरुआत है। तो मेरी शादी के बाद मेरी भी ज़िंदगी बदल गई, तो वैसे ही मैं उम्मीद करता हूँ और दुआ करता हूँ कि इनकी भी ज़िंदगी बदले। शब्बीर अंकल की बहुत सारी मतलब फैमिली रिलेशन है हमारा, तो उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और यही दुआ है कि बस बेटी की ज़िंदगी आने वाली खुशहाल रहे। शब्बीर भाई ने मुझे बहुत पहले से ही डेट ले रखी थी कि तुम्हारी बेटी की शादी यानी भतीजे की शादी आना है। और देखिए, बाप के लिए, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा दिन होता है ज़िंदगी का कि जिस दिन उनके लगते जिगर यानी कलेजे के टुकड़े की शादी हो और उस दिन इतने सारी दुआएं एक साथ हो। माशाल्लाह, किसी शहनशाह की लड़की से कम की शादी नहीं लग रही है। इसके लिए मैं एक ही शब्द कहूँगा कि जो बाप अपनी बेटी के लिए कह सकता है, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। चाचा की तरफ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूल्हा दुल्हन को, और आप लोगों से ये कहूँगा कि मीडिया वाले जितना प्यार करते हैं हम लोगों को, उतना ही ये दूल्हा दुल्हन को भी प्यार करें और इनके लिए सब लोग मिलकर दुआ करें। सलाम, अच्छी तरह सुलझ जाए, खुशी से शादी हो जाए, विदा हो जाए, तो हम कामना करते ऊपर अल्लाह मियाँ से, ईश्वर से, कि जोड़ी जो है सलामत रहे, खुश रहे और हमेशा नाम करे माँ बाप का। थैंक यू सो मच। सोनी टेलीविजन पर ये अरविंद जी है, काफ़ी राजस्थानी फिल्में की हैं एज ए हीरो और नच बजे सीज़न 5। हम दोनों ही हीना और इरफान को शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और मैं तो यही चाहूँगी कि जैसे सूरज और संध्या की जोड़ी बहुत हिट हुई थी, वैसे ही ये दोनों भी इतने ही प्यार में हिट हो। ये बात तो सही है कि शबीर भाई का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, वो खुद ही इतने प्यारे इंसान हैं कि आज आप जितने भी लोग को देख रहे हैं वो शबीर भाई के व्यवहार पे आए हैं। और हम दुआ क्या दें, शबीर भाई खुद ही इतने अच्छे इंसान है कि उनके बच्चों को कभी ऊपर वाला कभी दुख दे ही नहीं सकता है। हम तो दिल से दुआ करते हैं कि जोड़ी सलामत रहे और इस बहाने हम एक दूसरे परिवार से मिले, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। थैंक यू। रिसेप्शन पार्टी हम लोग पहुँचे हुए हैं, हमारे साथ मुकेश जी हैं, हम चाहते हैं मुकेश जी कुछ कहें एक लाइन। शबीर भाई सबसे बड़े प्यारे दोस्त, सब इंडस्ट्री के दोस्त और जिन्होंने करीब 50 साल के ऊपर इंडस्ट्री में बिताया है, उनकी बेटी की शादी एक वाकई एक अच्छा माहौल यहाँ है और बड़ा प्यार सबसे है हमारे सबके, सब खुआने उनके साथ में नी फेस्टिवल और मेरे गोल्डन कैमरा अवार्ड की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से उनको लाख लाख शुभकामनाएं, बेस्ट विशेज, लॉन्ग लिव द कपल, लॉन्ग लिव एवरीबॉडी, हैप्पी। शबीर भाई के बेटी और दामाद दोनों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। आज देख रहे हैं आज रिसेप्शन पार्टी में काफ़ी बॉलीवुड और अन्य सेलिब्रिटियाँ यहाँ मौजूद हैं और लाइन लगे हुए हैं काफ़ी लोगों का। मैं अपने तरफ से पूरे गेस्ट को और शबीर भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू। क्या कुछ कहना चाहेंगे, शबीर भाई की बेटी की शादी है और शादी बड़ा इम्पोर्टेंट विषय होता है हर लड़का लड़की के जीवन में, क्या कुछ कहना चाहेंगे शुभ अवसर पर? मैं शब्बीर भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। एक बाप के लिए उसकी बेटी का निकाह, उसकी शादी सबसे बड़ा ख्वाब होता है, सबसे बड़ी सीढ़ी होती है। और आज शब्बीर भाई ने, वो जब मैं उनसे मिलने गया तो उन्होंने बोला कि भाई बच्ची की शादी करती है, बहुत खुशी का दिन है। और मैं बच्ची को और दामाद को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, दुआ करता हूँ कि इनकी ज़िंदगी बहुत आसान रहे और खुदा ताला इनको हमेशा खुश रखे। और बहुत बड़े पैमाने पे शादी की, बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ आके। और शब्बीर के साथ तो हमने बहुत काम किया हुआ है, काफ़ी पुराने इंडस्ट्री में, मुझे भी लगभग 30 साल हो गए और इन लोगों को भी, जितने दोस्त वगैरह यहाँ इंडस्ट्री के, मुलाकात हो रही है, बड़ा अच्छा, बड़ा खुशी का माहौल है। थैंक यू।
मैं आज यहाँ पर आई हूँ, शब्बीर जी हैं, वो मेरे एक लाइक फादर जैसे हैं और उनकी बेटी की शादी, इसका मतलब मेरी बहन की शादी है, बहन की शादी में आई हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं और मुबारकबाद देने के लिए, उनको बहुत सारा आशीर्वाद मिले ऊपर वाले से, वो जो चाहते हैं उनका घर खुशियों से भर जाए। इतनी सारी विशेष लेकर के आज मैं यहाँ पर आई हूँ और उनको और उनके पूरे परिवार को बहुत ही ज़्यादा बधाई देती हूँ दिल से। सिनेमा के बारे में तो बस अभी यही कहूँगी कि मेरी इवेंट कंपनी है, उसके थ्रू हम लोग ने काफ़ी इवेंट्स किया है, प्लानिंग्स और हिंदी फिल्मों का है, जो लाइनअप होगा 2019 में आपको धमाका देखने को मिलेगा। भोजपुरी अवार्ड समारोह होता है, अच्छा लगता है कि अगर आप एक कलाकार हैं तो उसको तवज्जो दी जाती है और ऐसे अवार्ड फंक्शन में आपके काम को सराहना मिलती है, अच्छा है। विनोद जी सालों से करते आ रहे हैं, उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी और उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। गोविंदा जी का बर्थडे है,